गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हमने उसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करे थे। टुडे वी विल डिस्कस सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस। यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और हमें एक्सप्लेन करना है डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जो अरेंजमेंट है लिगेंड्स का इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ यानी इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यूज, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब डिफरेंस क्या है वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में? जिन लिगेंड्स की स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यूज है उसे हम वीक फील्ड लिगेंड्स कहते हैं, और जिन लिगेंड्स के लार्ज सीएफएससी की वैल्यूज है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर टू, द हेक्सा एक्वा मैंगनीज टू आयन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हेक्सा साइनो आयन में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही है। हमें एक्सप्लेन करना है यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो मैंगनीज किस स्टेट में? प्लस टू स्टेट में है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D5। तो H2O कैसा लिगेंट है? वो वीक लिगेंट है, जिसकी वजह से वहां पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। T2G3EG2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जो CN नेगेटिव है वो कैसा लिगेंट है? वो स्ट्रॉन्ग लिगेंट है, जिसकी वजह से T2G5EG0 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। तो दो T2G ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो थर्ड T2G ऑर्बिटल्स में वहां पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये रीजन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 आयन इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन में सारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं, 5D ऑर्बिटल्स हैं, वो डीजेनरेट होते हैं, यानी जिन ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, तो जो डीजेनरेसी है वो स्प्लिट हो जाती है 2 सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यानी T2G और EG सेट में टूट जाते हैं। इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। जो डिफरेंस है एनर्जी का बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यानी लोअर एनर्जी सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड T2G, और हाइयर एनर्जी सेट ऑफ 2D ऑर्बिटल्स उसे हम क्या कहते हैं? EG। जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है पहले तो T2G में एंटर करेंगे। इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन P, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करेगा EG में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? T2G EG1। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O होल की पावर 6 2 पॉजिटिव इज ग्रीन, लेकिन NiCN होल की पावर 4 2 नेगेटिव इज कलरलेस। एक्सप्लेन। तो इन NiH2O होल की पावर 6 2 पॉजिटिव निकल किस स्टेट में? प्लस 2 स्टेट में। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D8। यानी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पेयर अप नहीं करेंगे, क्योंकि H2O कैसा लिगेंट है? वो वीक लिगेंट है। तो यानी हैंस इट इज कलर्ड। जो DD ट्रांजिशन है वो ऑब्जॉर्व कर लेंगे रेड लाइट, और जो कॉम्प्लीमेंट्री लाइट एमिट होगी वो ग्रीन होगी, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो कलर्ड शो हो रहा है। लेकिन NiCN होल के पास 4-2 नेगेटिव में निकल प्लस 2 स्टेट में ही है, कॉन्फ़िगरेशन 3D8 है, लेकिन CN नेगेटिव कैसा लिगेंट है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, जिसकी वजह से जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3D ऑर्बिटल्स में वो पेयर अप हो गए। तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा और इस वजह से वो कलरलेस है। तो यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो कलर्ड है। NiH2 होल के पास 6-2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, और NiCN होल के पास 4-2 नेगेटिव वो क्या है? कलरलेस है, क्योंकि CN नेगेटिव क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंट है, और कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा।